लो जी ये मेरा सर और ये आपकी जूती, निकाल लो अपना सारा गुस्सा। ना ना निकाल लो जी, वैसे भी माँ की जूती जो है आशीर्वाद के बराबर होती है, आप जो है जूती मारो बस। बीजी की कर रही आशीर्वाद दे रही हूँ, अभी तो मांगे है इसने। रहने दो बीजी, ओ जोगी मेरे वीर, क्यों रोका तुमने? ना मेरी माँ और मेरी बहन अगर मुझसे नाराज रहे ना तो मुझे रात को नींद नहीं आनी है। एक काम करो आप ही मुझे बता दो कि मैं क्या करूं जिससे आप लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। मैं क्या करूं, मर जाऊं मैं? आप बोलो, मैं अपनी जान दे देता हूं। छोड़ो जी, गल खत्म करो, वैसे भी तुम्हारी जान लेके हमारा कुछ नहीं होने वाला। और बुजुर्गों ने कहा है कि ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो मिट्टी पाओ। ओह माय गॉड, जो कि जान ही लेती है यार। बैठ जी, आपके पास पेन किताब है? अगर मेरे दिमाग में नोट कर लो आप, ये लड़का बहुत आगे जाएगा और किसी के हाथ नहीं आना। इतना सोना, ऊंचा, लंबा, वखरा स्वैग। पप्पू को अपनी पे आने दे, तेरा स्वैग भी निकालूंगा, आकड़ भी, और तुम लोगों को इस जगह से भी। मैं आज जोगी। अच्छा जी, तो मैं चलता हूं। गुस्सा नहीं वीरे। जोगी बात तो सुन मेरी, जो अंदर ना आइयो। मेरी बेबे, मेरी बीजी, मेरी लाड्डो को कुछ हो गया ना तो तू और तेरे जीजा की जोड़ी को तड़-तड़ तोड़ के रख दूंगा। अपनी जुबान है, किसी डॉक्टर को मैं चेक करा दियो, उसने कहना कि नागिन का डंक है, जब मुंह खोलती है तो डरस डरस डरसने को फिरती है ये लड़की। और मुझे तो लगता था तेरी जुबान ही सिर्फ लेडी ड्रैगन वाली है, पर नहीं, आज जो तूने और तेरे जीजा ने हरकत की है ना उससे मुझे पता चल गया तुम लोगों का दिल ही नहीं है। अब काले दिल के लोग हो तुम लोग। तुझे पता भी है मैं तेरे पीछे क्यों आई थी? पता नहीं क्यों आई थी, आई होगी कोई अपनी धमकी देने अपने जीजा की तरह। सही नाम दिया मैंने इसे, एकदम बैल बुद्धि। अरे मुझे जानता है कितने जो इतने बड़े जजमेंट पास कर दिए इसने, माँ ही ना अपनी जीजा जी जैसी। इतनी बड़ी बेइज्जती ना मेरी आज तक किसी ने नहीं की, और ये लाड साहब बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा ज्ञान दे के गए मेरे को। मानती हूँ जीजू ने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन जो इसने मेरे साथ बर्ताव किया वो सही था क्या? मुझे ना इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। तीनों इस पे जाएंगे, रहन दे, हवलदार ने फाड़े ना चलान कट देना है। तू रुक, माई दी गड्डी बुक कर लेने। बेबे, और सवेरे सवेरे उस पप्पू की साली का नाम लेके ना हमारा दिन ना खराब करो यार। आ दो माता रानी, जल्दी आ जानी, तू कपड़े अच्छे अच्छे बिक जाने सारे, चला जा बीच में बिठा के, आ जा आ जा आ जा जल्दी। चल प्रिया, बजवा दूं तेरा बैंड, करवा दूं तेरी शादी की शॉपिंग।
की होया? अरे की होया? लोगों पे ना साढ़े सत्ती लगी होती है, मुझ पे तू लगा हुआ है। जब भी तेरी शक्ल देखती हूँ कोई ना कोई नुकसान होता है मेरा। ओए हेलो, मेरी भी कोई लॉटरी नहीं निकल रही है तेरी शक्ल देख के। लॉटरी निकले या ना निकले तुझे सबके पैसे देने पड़ेंगे, फ्री फंड का नहीं आ रहा ये सामान। ओहो, फ्री फंड में नहीं आया तो अपनी टैक्सी लाके हमारे बाइक में मारने की जरूरत क्या थी। ओए हाय तौबा, कैसी गड्डी चलाती है ये कुड़ी, तेरे पैसेंजरों को तो रब भी बचाए। मेरे पैसेंजर्स की टेंशन लेना तू छोड़ और इसके पैसे निकाल। हेडलाइट के 4,500, डेंट के 1,000, डेंट पेंट के 1,000, छेती निकाल 6,500। पहले पकड़ 20 रुपए, जाके मॉरल साइंस की किताब खरीद और पढ़। गलती करने पर माफी मांगते हैं, पैसे नहीं मांगते जैसे तेरे जीजे ने मांगी थी। हैं? ओ बिजी के टाइम वेस्ट कर रही है। हाँ माही, वो आया थी पप्पू जी, माफी मांग के गए। पप्पू जी छड़ो, जाने दो यार। चलो जी, अब सरकारें चली हैं शॉपिंग करने, माफी मांगनी होगी ना तो उसके बाद आके मिलना हमें। चलो एक्सक्यूज मी, आने से पहले अपॉइंटमेंट ले लेना, बंदे के पास टाइम वैसे ही कम है। मॉम, ग्रैंड मॉम, लेट गो शॉपिंग। पहले मेरी कंजकी लेके भागा और अब ये पैसे, छेती निकाल पैसे मेरे। चोर चोर चोर, चोर। और तुझे ना मैं ऐसे ड्राइवर नहीं बुलाता हूँ, तेरा नाम ना ड्रैकुली होना चाहिए। अच्छा, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना इससे 100 गुना ज्यादा दर्द होगा। छेती पैसे निकाल। छड्डो गाल में जोगी। रुक, मैं ही निकालती हूँ पैसे। पुलिस, पुलिस, जवान लड़के के इज्जत पे हाथ डाल रही है कुड़ी। बस इतने ही पैसे हैं फॉर टीचर कहीं का? ऐसे टेंटों वाली गाड़ी घर लेके जाऊंगी ना, मम्मी ने मेरे ही टेंट डाल देने हैं। रुक रुक रुक, आज एफर्ट तो 6,000 से 500। बेबे खेड़ा छोड़ो बस, चलो। आंटी आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं ना। नहीं, 1,500 है, कर लेंगे उसमें शॉपिंग, चलो। अब मेरी बेबे के पैसे लूट लिए, और मैं शॉपिंग करवाने जा रहा था अपनी बेबे को, और मैं बेबे को सूट कैसे सिलवा के दूंगा। और ऐसा हाल हो चुका आजकल की जवान लड़कियों का। और कालियुग है जी कालियुग, पैसे देना। आंटी आप एक काम करो, ये पैसे रखो और आप अपने लिए अच्छे से कपड़े लो, और बीजी के लिए भी और लाडो के लिए भी। और आप क्यों पैसे दोगे? पैसे तो ये लीचड़ आदमी देगा। ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बंदे की शक्ल देखी ना, देखने की टिकट लगती है। बात की ना, बात करने का बंदा सैनिंग अमाउंट लेता है, इतने चाम से भरा हुआ है हिसाब बराबर। अच्छा चलो फिर थाने। चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठंड रखो। तू ना एक काम कर, 6,500 का ना दूध ले जाई, तेरा नुकसान भी पूरा हो जाना है। सीख कुछ अपनी बेबे से। अब आंटी कुछ 3 महीने का दूध होगा। हाँ ठीक है ले जाए। थैंक यू सो मच आंटी, वरना ना मेरी मम्मी ने मुझे नीचे लेटा कर ना मेरे ऊपर से मेरी ही गाड़ी निकाल देनी थी। थैंक यू सो मच। चंगा बेवकूफ। ओए चल प्रिया तू बैठ गड्डी में, चल प्रिया तू चल चल चल, जब देखो जब झगड़ा करता रहता है। आप चले जाइए पहले। चाहिए दीदी कोई आपका फेवरेट दुपट्टा या पटियाला सलवार कोई और ना ले जाए। जाओ जाओ, आप इतनी ब्यूटीफुल हो ना, मैं तो सोच रही हूँ अंकल से बात करके आपको ब्रांड एम्बेसडर बनवा ही देती हूँ, फिर जो मन चाहे पहनना, फोटो खींचना ते इंस्टा पे पाना, ठीक है? बीजी बेबे, मुझे क्या लगता है आप लोग ना यहाँ पे शॉपिंग करो, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ी देर और रुका ना तो मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ जाना है। दुकान अपनी है, जो लेना ले लो, हैं? पेमेंट की टेंशन नॉट। ओ ओ तन कुबेर जी, मेरा पेमेंट।
जल्दी पेमेंट। जोगी क्यों चिढ़ा दी है, कितना क्यूट है, डेट पे चली जा। मैं ना इस बुत के साथ चली जाऊंगी डेट पे, लेकिन इसके साथ कभी नहीं। चल अंदर आ। बोले तेरे शक्ल तो दिखा दो ब्लैक पैंथर जी। हेलमेट पहन रखा है, फटफटिया कहाँ पे है? ओ अच्छा, कोरोना की दवाई नहीं आई तो आपने मास्क छोड़ के पूरा का पूरा हेलमेट ही पहन लिया। वेरी गुड वेरी गुड। ओ आप जैसे होनहारों की ना हमारे देश को बड़ी जरूरत है। हम ये वाला देख। कितने का ये? ये 10,000। 10,000? रे 10,000 में तो पूरे का पूरा आदमी आ जावे, और तू उसके कपड़े दे रही है सिर्फ, कोई इंसानों वाली चीज दिखा। हाँ अब सेल में है कुछ सूट, वो दिखा दो। हाँ सुंदर तो मैं बहुत लग रही हूँ, पर ऐसा ना हो मैं कहीं ज्यादा पतली लगने लगूं। अरे ना ना, ऐसी कोई ड्रेस नहीं बनी है जिसमें तू ज्यादा पतली लगे। यो फोन तो बहुत बढ़िया है भाई। अरे इस फोन में तो तेरी फोटो भी सुंदर दिखाई दे रही है ना कमाल का। छी छी, कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, पीछे हटो। साबुन खरीदने के पैसे नहीं है और कपड़े लेने दुकान में चली आई है। तू बड़ी साबुन से नहाती है? अरे हमारे यहाँ तो भैंसों को भी जोड़ में लिटा कर रगड़ रगड़ के नहलाते हैं, तेरे को भी ले चलो क्या वहाँ पे। बीजी बीजी आप देख कैसे बोल रही है, अम्मी से बात आ रही है। हाँ। आई बड़ी खुशबू वाली, कुछ और अच्छा सा दिखाओ। ये लीजिए मैम, ये वाला देखिए। कौन सा अच्छा लग रहा है? प्रिया सब सेम ही लग रहे हैं, जल्दी कर यार। हाय अभी तो सिर्फ 4 ही ट्राई किए हैं, ऐसे थोड़ी ना डिसाइड कर लूंगी। तो फिर और कितने ट्राई करने हैं मैडम आपको? कम से कम 400। प्रिया लड़का डिसाइड करते हो ना, तूने मिंट नहीं लगाया था और कपड़े डिसाइड करने में इतना टाइम लगा रही है, थोड़ा जल्दी कर यार। पसंद आया कुछ? बीजी यहाँ पे तो सब कुछ बहुत महंगा है, एक के लिए खरीदा ना तो बाकी दो नहीं रह जाने। तू एक काम कर, लड्डू के लिए खरीद ले। सोचा था मैंने, पर बच्चों के कपड़े अच्छे नहीं है यहाँ पे। अच्छा तो चल दूसरी दुकान पे चलते हैं, है ना? भाई अच्छे नहीं है सब, सारे सस्ते सस्ते हैं, हमको थोड़े कुछ महंगे कुछ अच्छे वाले देखने थे, अगली बार थोड़े अच्छे कपड़े दिखाना है। ठीक है फिर आएंगे। चलो। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन चोरी हो गया। मैम यहीं कहीं होगा, आप घबराइए मत, हम देखते हैं। यहीं तो रखा हुआ था, ऐसे लोगों को आप अंदर क्यों आने देते हो? जेंट्री क्राउड को अलाउ कीजिए ना। सिक्योरिटी। यस मैम। मेरा फोन चोरी हो गया, इन लोगों ने मेरा फोन चुराया है। क्या बकवास कर रही हो? देख कैसे बोल रही है, अकल में भूसा भरा है। तलाशी लो इनकी। एक मिनट, क्या बकवास कर रही हो? हमने कोई फोन नहीं उठाया। अभी पता चल जाएगा बकवास कौन कर रहा है, तुम दोनों की तलाशी ली जाएगी। बाप का माल समझ रखा है, तलाशी होगी। एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में रख दूंगी। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, पुलिस बुलानी पड़ेगी। काम का बात नहीं बढ़ाते बीजी। नहीं नहीं रहन दो, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, दे लो तलाशी देख लो। अरे ध्यान रखो, किया ही नहीं तो तलाशी किस बात की। दफा करो। कुछ नहीं है ना? मेरा हाथ नहीं लगा देगी दूर, मैंने कह दिया ना। अरे कमाल है। दुपट्टा निकालिए, मैंने कहा ना दुपट्टा निकालिए। लगता है ऐसे नहीं मानेगी।
हिम्मत कैसे हुई तेरी इन्हें हाथ लगाने की? चोरी की है इन्होंने। तुम जज हो या वो जज है या इस दुकान का जो मालिक है वो जज है, किसने फैसला लिया कि इन्होंने चोरी की है? इन्होंने कहा इन्होंने चोरी की है। आपने देखा इन्हें चोरी करते हुए? शक्ल देखो इनकी, गंदे कपड़े, बदबू आ रही है। इनकी औकात तो है नहीं इस दुकान में आके शॉप करने की, चोरी करने आई होंगी। अच्छा तो फिर जब आप जिम जाते होंगे तो वहाँ भी लोग यही कहते होंगे कि एक्सरसाइज करने की तो औकात है नहीं, चोरी ही करने आई होगी। नहीं, माइंड योर लैंग्वेज, तू जानती नहीं है तू किससे बात कर रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, एक बदतमीज औरत से जिसे लोगों की पहचान बिल्कुल नहीं है, और बदबू इनमें से नहीं, आप में से आ रही, बदतमीजी की और अकड़ की। लेकिन आप टेंशन मत लो, ये चुटकियों में उतार देनी मैंने आपकी अकड़। अच्छा कैसे? ये प्रूफ करके कि इन लोगों ने चोरी नहीं की, वो सब देखता है। ओह माय गॉड, एक तो ये गरीब लोग जैसे ही कुछ साबित नहीं कर पाते हैं उस बेचारे भगवान को नीचे ले आते हैं। आप फिक्र मत करो, आपको गलत प्रूफ करने के लिए ना भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काफी हूँ, और वो सीसीटीवी कैमरा। आप मुझे सीसीटीवी की फुटेज दिखाइए। जी मैम, ये देखिए। बच्चे ही आपका फोन लेके गया था। मम्मी मैं गेम खेल रहा था, फोन की बैटरी लो हो गई। स्टुपिड, मेरे बिना परमिशन के तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना बड़ों की परमिशन से उनकी चीजें इस्तेमाल करते हैं। बेचारे बच्चे को क्यों डांट रहे हो, गलती आपकी है, सॉरी बोलिए उन्हें। माफी? नो वे। चल बेटा। Excuse me, माफी तो मैं मंगवा के रहूंगी। तू एक काम कर, तू अपने भाई को फोन कर। हाँ हाँ, बुला ले जिसको बुलाना है, मैं क्या डरती हूँ किसी से? मुझे नहीं पता चाहे वो किसी किसी का केस ही क्यों ना लड़ो, उनको बोल ही दराए। पर माही एक काम कर, तू अपनी ना भाभी को बुला ले, चाहे वो सीएम के साथ मीटिंग कर रही हो चाहे वो पीएम के साथ मीटिंग कर रही हो, उनको बोल ही दराए, उनका इंटरव्यू ले। क्या एक काम करते, इनकी वीडियो बना ले और वायरल कर दे। बना वीडियो, सबसे बढ़िया काम। बना बना बना, डालते हैं आंटी का वीडियो। अरे फेमस करते हैं आंटी को। और जी पैसे के अमीर दिल के गरीब, कभी ना जाए ईश्वर के करीब। अरे कैमरा नीचे करो प्लीज, प्लीज हटाओ कैमरा, प्लीज ऐसे मत करो। सॉरी सॉरी, प्लीज इसको रोको ना, गलती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इस खोते आधे पुत्र के चक्कर में सारा कंफ्यूजन हो गया। खोते का पुत्र नहीं, खोती का पुत्र है। अब माफी मांगिए। I'm sorry बहन जी, मुझसे गलती हो गई। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, कोई गल नहीं। मैडम अब आप भी माफी मांग लीजिए। सॉरी मैम, सॉरी मैम। ठीक है ठीक है। एंड मैम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस कंफ्यूजन, आप प्लीज ये वीडियो वायरल मत कीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको आपके सारे सामान पे 50% का डिस्काउंट दे देता हूँ। रिश्वत? हाँ। नहीं नहीं माय पुत्र, रहने दे, क्यों हीरोइन बन रही है? अरे डिस्काउंट मिल रहा है, चल थोड़ा सा खरीद लेंगे, कर लेंगे थोड़ी बहुत। हाँ, चल आजा भाई, आजा आजा, थोड़ा सा ले लेंगे। 50% नहीं, 70% डिस्काउंट चाहिए मुझे। हाँ मैडम श्योर, हो जाएगा ना, आप प्लीज कंटिन्यू। दुकान में तो डिस्काउंट मिल जाएगा साली जी, पर मुश्किलों में नहीं, उसमें सिर्फ बोनस मिलेगा। पप्पू बनेंजा 500%, इसीलिए तो जासूस पीछे लगाया है। तुम लोग प्रिया की शादी की तैयारियां कर रहे हो और मैं
अपनी साली की बर्बादी की। इस शादी का शुभ मुहूर्त ही तुम्हारी बर्बादी का अशुभ मुहूर्त होगा माही। एंड द शो बिगिंस।